देखिए वन का स्वच्छता की बातें, वन का स्वच्छता की बातें। अच्छा, जब आप लोग खाते हैं बिस्कुट वगैरह या जो भी चीज खाते हैं, उसको वन कक्ष में जो रखा रहता है डब्बा, उसमें जो बचा कुचा उसमें डाल देते हैं ना, और फिर घर चले जाते। रात में क्या होता है कि चूहा आता है, और चूहा आकर के आपका जूठा वो खाने लगता है, ठीक है। उस डब्बा में जो रहता है उसको खाने लगता है, क्योंकि खुला भी रहता है या बंद भी रहता है, तो इधर उधर वो गिरा भी रहता है, तो चूहा आता है। और चूहा को खाने के लिए उसका प्रिय भोजन है बिल्ली, तो बिल्ली पहुंच जाती है कि चूहा को खा ले, ठीक। और उसके बाद बिल्ली शिकार करने के क्रम में आपके बेंच पर बैठती है। कहाँ बैठती है? बेंच पर। तो आपने देखा था, क्या देखा? खराब बिल्ली। क्या देखा कि जैसे आप आए क्लासरूम, तो क्या देखा? बिल्ली का लैट्रिन है, हाँ इतना लैट्रिन है। तो एक नहीं तो बैग उस पर ये रख देती, तो ये सावधान हो गई, ठीक है बैग लिए। और फिर बच्चों को बहुत परेशानी हुई, तो कितने बच्चों ने मिल करके धोया? अच्छा, आप लोग कितने धोए? आप लोग पानी लाए फिर धोए, है ना? तो ये बात हुई। तो इसलिए क्या करना है कि अगर डब्बा में कचरा है, ये बच्चे ध्यान से सुनिए, तो संभव हो कि डब्बा को अच्छा से हम ढक दे तब जाए, नहीं तो सफाई मंत्री और उसको डब्बा उड़ेल दीजिए जहाँ पर उसको लेना जाता है। उसके बाद साफ डब्बा यहाँ पर रखिए, इससे क्या होगा, बेंच पर लैट्रिन बिल्ली की नहीं होगी, बिल्ली तो आती है चूहा के फिर, समझ रहे ना? तो ये काम करना है, नहीं तो रोज दिन यही, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम, कितना गंदा लगता है, उल्टी उल्टी, सही बात है। बच्चों ने सफाई किया तो कितने बच्चों ने सफाई किया, चलिए इसमें डालिए।